हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ASP.NET इवेंट हैंडलिंग। एक इवेंट होती है, वो एक एक्शन होती है जो अक्कर होती है, जैसे माउस के क्लिक करने से, कोई की प्रेस करने से, माउस के मूवमेंट से, या सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन। एक प्रोसेस होती है जो कम्युनिकेट करती है इवेंट्स के थ्रू। एग्जांपल के लिए जैसे इंटरप्ट्स है, वो सिस्टम जनरेटेड इवेंट्स होते हैं। जब इवेंट अकर होती है तो एप्लीकेशन उसको रेस्पॉन्ड करता है और मैनेज करता है। एक इवेंट वो एक मैसेज होती है जो सेंड की जाती है एक ऑब्जेक्ट से, एक सिग्नल के रूप में, अक्रेंस ऑफ एन एक्शन। एक्शन कैन बी कॉज्ड बाय यूजर इंटरेक्शन सच एज बटन क्लिक, और ये रिजल्ट हो सकती है किसी प्रोग्राम लॉजिक का, जैसे चेंजिंग अ प्रॉपर्टी वैल्यू, ऑब्जेक्ट दैट रेजेज द इवेंट इज कॉल्ड द इवेंट। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब यूजर है वो वेब ब्राउजर ओपन करता है और उसके अंदर फिर वो कोई फॉरम खुलता है, उसके अंदर माउस से क्लिक कर रहा है, कीबोर्ड से क्लिक कर रहा है, या फिर प्रोग्रामिंग है सर्वर पर चल रही है, उसका कोई रिजल्ट ऐसा हो रहा है, तो वो सब क्या इवेंट्स होते हैं, एक घटना होती है। ASP.NET इवेंट्स है वो रेज्ड होती है कहाँ पर, क्लाइंट मशीन पर, ब्राउजर के अंदर, और हैंडल होती है सर्वर पर। एग्जांपल के लिए जैसे यूजर क्या क्लिक करता है, बटन के ऊपर क्लिक करता है, ब्राउजर के अंदर जो बटन दिख रहा है, तो जैसे बटन पर क्लिक करेगा एक इवेंट जनरेट होगी और वो ब्राउजर है उसको सेंड करेगा सर्वर पर, और सर्वर है उसको फिर प्रोसेस करेगा। जैसे अगर क्लाइंट ने कोई फॉर्म है उसमें डिटेल्स फिल करके उसको सबमिट किया है, तो सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करेगा इवेंट जनरेट हो रही है ब्राउजर पर, और ब्राउजर उसको सेंड करेगा सर्वर के पास, सर्वर उसको हैंडल करेगा, सर्वर क्या करेगा, जो फॉर्म में डिटेल्स भरी है उनको डेटाबेस में सेव कर देगा। तो सर्वर के पास क्या होता है, सब रूटीन्स होते हैं या मेथड होता है, फंक्शन होता है, जो डिस्क्राइब करता है कि कौन सी इवेंट आएगी तो उस पर क्या प्रोसेस करना है, तो उस सब रूटीन को बोलते हैं इवेंट हैंडलर। तो जैसे इवेंट मैसेज ट्रांसमिट होगा सर्वर को, वो चेक करेगा कि ये जो इवेंट आई है उसके साथ में कौन सा इवेंट हैंडलर है वो एसोसिएटेड है, जो भी फंक्शन है, सब रूटीन है, उसके साथ एसोसिएटेड है, वो प्रोसेसिंग करेगा अपनी इवेंट आर्ग्यूमेंट्स। ASP.NET इवेंट हैंडलर्स है जनरली दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, दो पैरामीटर्स लेते हैं, और रिटर्न करते हैं वॉइड, मतलब कुछ भी नहीं, तो रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे इवेंट हैंडलर, और पैरामीटर उसमें दो पास होंगे। पहला जो पैरामीटर होता है वो तो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट रेज कर रहा है इवेंट को वो ऑब्जेक्ट होता है, और सेकंड पैरामीटर होता है वो इवेंट आर्ग्यूमेंट होता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, प्राइवेट वॉइड रिटर्न टाइप हो गया, इवेंट नेम, इवेंट का नेम होगा, पहला पैरामीटर रहेगा ऑब्जेक्ट सेंडर जिसने इवेंट रेज की, सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा इवेंट आर्ग्यूमेंट। एप्लीकेशन एंड सेशन इवेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन इवेंट्स होती हैं वो एप्लीकेशन स्टार्ट और एप्लीकेशन एंड होती है। एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कब जनरेट होती है, जब एप्लीकेशन या वेबसाइट है वो स्टार्ट होती है, और एप्लीकेशन एंड जब एप्लीकेशन या वेबसाइट स्टॉप होती है। एप्लीकेशन की तरह ही सेशन इवेंट्स भी होती है, सेशन के अंदर भी स्टार्ट और एंड होता है। स्टार्ट जब सेशन स्टार्ट होता है, जब यूजर फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है पेज को, तब सेशन स्टार्ट, और सेशन एंड जब सेशन एंड होता है। पेज एंड कंट्रोल इवेंट्स, कॉमन पेज और पेज कंट्रोल इवेंट्स है वो कुछ इस तरह से होती है, डेटा बाइंडिंग, ये रेज होती है जब कंट्रोल बाइंड करता है डेटा सोर्स से। डिस्पोज्ड,
इट रेज्ड व्हेन द पेज और द कंट्रोल इज रिलीज्ड, जब रिलीज होगा डिस्पोज होगा तो डिस्पोज्ड। एरर, एरर क्या है, एक पेज इवेंट है और ये एकर होगी जब अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है वो थ्रो होगा तब। इन इट, ये रेज होगी जब पेज और कंट्रोल है वो इनिशियलाइज होगा। लोड, ये रेज होगी जब पेज या कंट्रोल लोड होगा। प्री रेंडर, ये रेज होगी जब पेज या कंट्रोल रेंडर होगा तब। अनलोड, ये कब घटित होगी, जब पेज या कंट्रोल है वो अनलोड होगा मेमोरी से तब। अब कंट्रोल्स को यूज करके कैसे इवेंट को हैंडल किया जाता है, तो ASP.NET के अंदर कंट्रोल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं एज ए क्लास और दे हैव इवेंट्स विच आर फायर्ड व्हेन ए यूजर परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन ऑन देम। जैसे एग्जांपल के लिए यूजर क्लिक करता है बटन के ऊपर तो क्लिक इवेंट जनरेट होती है और क्लिक इवेंट को हैंडल करने के लिए वहाँ पर बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं, इवेंट हैंडलर्स होते हैं। इवेंट हैंडलर्स इज कोडेड टू रेस्पॉन्ड टू एन इवेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन ऑन इट। बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएट करता है इवेंट हैंडलर बाय इंक्लूडिंग ए हैंडल्स क्लोज ऑन द सब प्रोसीजर। दिस क्लोज नेम्स द कंट्रोल एंड इवेंट दैट द प्रोसीजर हैंडल्स। अब ASP टेक क्या होता है बटन के लिए, ASP कोलन बटन ID रन एट सर्वर टेक्स्ट कैंसिल। अब इसका इवेंट हैंडलर क्या रहेगा, एक सब रूटीन रहेगा तो प्रोटेक्टेड सब बटन कैंसिल। दो पैरामीटर्स, पहला क्या रहेगा बाय वैल्यू सेंडर एज ऑब्जेक्ट और दूसरा आर्ग्यूमेंट हैंडल्स बटन कैंसिल डॉट क्लिक एंड सब। कोई इवेंट है वो बिना हैंडल्स के भी कोड की जा सकती है और हैंडल जो होता है उसका नाम होता है वो अप्रोप्रिएट इवेंट एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल का, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ASP टेक बटन कंट्रोल के कुछ इस तरह से होता है, बटन आईडी रहेगा रन एट सर्वर टेक्स्ट कैंसिल ऑन क्लिक बटन कैंसिल क्लिक, और इसके लिए हैंडलर रहेगा, एक सब रूटीन रहेगा जिसमें दो पैरामीटर्स रहेंगे, पहला इवेंट ऑब्जेक्ट दूसरा इवेंट आर्ग्यूमेंट। कॉमन कंट्रोल इवेंट्स कौन सी होती है, सबसे कॉमन है क्लिक, ये कब जनरेट होती है ऑन क्लिक, जब क्लिक करते हैं माउस से तब जनरेट होती है। अब क्लिक हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बटन पर कर सकते हैं, इमेज बटन पर कर सकते हैं, लिंक बटन पर कर सकते हैं और इमेज मैप पर कर सकते हैं। कमांड, कमांड इवेंट कब जनरेट होती है ऑन कमांड, और ऑन कमांड कैसे कैसे कर सकते हैं, बटन के थ्रू, इमेज बटन के थ्रू, लिंक बटन। टेक्स्ट चेंज्ड, टेक्स्ट चेंज जो इवेंट होती है वो गठित होती है जब टेक्स्ट चेंज होता है, और टेक्स्ट चेंज कहाँ होता है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। फिर सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ये कब होती है, जब सेलेक्टेड इंडेक्स है वो चेंज होता है, तो ये कहाँ हो सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो सकता है, लिस्ट बॉक्स में हो सकता है, रेडियो बटन लिस्ट में हो सकती है, चेक बॉक्स लिस्ट, जो जो भी लिस्ट जिनकी भी बन सकती है उसी में इंडेक्स चेंज हो सकता है। चेक्ड चेंज्ड, ये होती है जब चेक्ड है उसको चेंज करते हैं। अब चेक को किसको करते हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन दो ही तरह के होते हैं तो इन पर होता है। कुछ इवेंट्स हैं वो क्या करती है, फॉरम को पोस्ट बैक करती है सर्वर पर इमीडिएटली, और इनको बोलते हैं पोस्ट बैक इवेंट। जैसे एग्जांपल के लिए क्लिक इवेंट, जब बटन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करती है, पोस्ट बैक करती है सर्वर को। जैसे यूजर ने फॉर्म फिल किया और सबमिट पर किया, जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन किया, तो लॉगिन करते ही पोस्ट बैक कहाँ जाएगा, सर्वर के ऊपर जाएगी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। तो ऐसे इवेंट्स पोस्ट बैक, मतलब ऐसे इवेंट्स जो गठित होते ही इमीडिएटली सर्वर पर जाती है। तो बटन्स नॉर्मली सबमिट बटन है वो पोस्ट बैक होता ही है, वो सर्वर के ऊपर इन्फॉर्मेशन भेजता है। कुछ इवेंट्स होती है वो पोस्ट बैक नहीं होती है, सर्वर को इमीडिएटली नहीं होती है, उनको नॉन पोस्ट बैक इवेंट्स कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए सिलेक्शन इवेंट होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, या टेक्स्ट चेंज इवेंट होती है, या चेक्ड चेंज्ड होता है, ये नॉन पोस्ट बैक इवेंट्स होती है। और इनको सेटिंग करके पोस्ट बैक इवेंट्स भी बनाया जा सकता है। अगर हम उनको ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू कर देंगे तो ये पोस्ट बैक भी हो जाएगी। जैसे रेडियो बटन है, अब फॉर्म फिल कर रहे हैं और गलती से मेल की जगह फीमेल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो सर्वर के ऊपर चला गया डेटा और फिर हम चेंज नहीं कर सकते। हम फीमेल से मेल भी कर सकते हैं, जब तक हमने सबमिट बटन नहीं किया है तब तक हम उसको चेंज कर सकते हैं। सर्वर को उससे कोई लेन देन नहीं है, आपने किया मेल किया है फीमेल किया है, सर्वर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी जब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तब। तो रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेज है, ये सारे नॉन पोस्ट बैक इवेंट्स होती है। और जैसा कि बताया कि पोस्ट बैक इवेंट्स बनाया जा सकता है इनको भी, अगर हम ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी उसको ट्रू कर देंगे तो। डिफ़ॉल्ट इवेंट्स क्या होती है? डिफ़ॉल्ट इवेंट्स जैसे पेज ऑब्जेक्ट लोड होता है तो वो डिफ़ॉल्ट है। सिमिलरली एवरी कंट्रोल हैज़ ए डिफ़ॉल्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल, डिफ़ॉल्ट इवेंट फॉर द बटन कंट्रोल इज़ द क्लिक इवेंट। तो बटन पर डिफ़ॉल्ट इवेंट क्या है? क्लिक इवेंट है। डिफ़ॉल्ट इवेंट हैंडलर है, उसको क्रिएट किया जा सकता है विजुअल स्टूडियो में। कैसे? जस्ट बाई डबल क्लिक देंगे कंट्रोल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के अंदर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल पर, उसके अंदर उसका इवेंट हैंडलर जनरेट हो जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो में काफ़ी ईजी है ASP.NET में वेब एप्लीकेशन बनाना, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है हमें। अब ये जो नीचे टेबल दी गई है उसमें दिखाया गया है कि डिफ़ॉल्ट इवेंट्स है वो कॉमन कंट्रोल्स के लिए कैसी होती है। जैसे कंट्रोल और डिफ़ॉल्ट इवेंट ऐसे है, एड रोटेटर, एड क्रिएटेड, बुलेटेड लिस्ट है क्लिक, बटन के लिए भी डिफ़ॉल्ट इवेंट क्या है? क्लिक है। कैलेंडर के लिए क्या है? सिलेक्शन चेंज्ड। चेक बॉक्स के लिए चेक्ड चेंज्ड, चेक बॉक्स लिस्ट सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, डेटा ग्रिड सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, डेटा लिस्ट सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें भी सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। जहाँ भी लिस्ट का नाम आ गया वहाँ पर क्या होगा? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। हाइपरलिंक पर क्या होगा? डिफ़ॉल्ट क्लिक। इमेज बटन पर क्या होता है? क्लिक। इमेज मैप पर क्लिक। लिंक बटन पर क्लिक। तो बटन जहाँ भी आ गया वहाँ पर क्या करेंगे? बटन पर क्लिक ही करेंगे। लिस्ट बॉक्स, लिस्ट का जहाँ भी नाम आ गया उसमें क्या होगा? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। मेन्यू के ऊपर मेन्यू आइटम क्लिक। रेडियो बटन चेक्ड चेंज्ड, रेडियो बटन लिस्ट सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड।